हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ राजकमल। बात करते हैं आज IRFC शेयर की। फ्रेंड्स, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटे इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना होगा, तभी कमा पाएंगे। 20-21-22 रुपये में IRFC बताया था, बहुत टाइम तक बताया, जब ये बिलो ₹26 था। फिर ये 35 तक चला गया, 35+39 तक। फिर वापस ही 20-29 के आसपास आया। आप मेरी वीडियो चेकआउट कीजिएगा, मेरे ओल्ड वीडियोज़ IRFC के, तब भी मैंने कहा मत बेचिए जिनके पास, और उन लोगों भी कहा कि जिनको मौका अभी बिलो ₹30 के वापस ले लीजिए। बिलो 35 तब भी मैंने कहा मौका है, ले लीजिए। नाउ इट्स 44। तो फ्रेंड्स, मैं वही शेयर बताता हूँ जो अपलोड बाइंग लेवल पे होते हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिनमें तेजी नहीं आई हुई होती, बल्कि शेयर ठंडा हुआ हुआ होता है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर वो अपट्रैक्स पे आता है। आप अपट्रैक्स पे आने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब मैं बताता हूँ तब होल्ड नहीं करके रखते, पेशेंस नहीं रखते। और मैं तो शेयर्स वो बताता हूँ जिनको लॉन्ग टर्म तक के लिए रखना है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में बना करके देंगे। तो फ्रेंड्स, IRFC के बारे में जो भी बात थी मैंने आपको बताई, और अभी 44 प्लस क्या करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप में पेशेंस है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो कोई बात नहीं, अप जाएगा तो आपने जितना में माल लिया या जितनी क्वान्टिटी ली वो आपको कमा के देगी, डाउन गया तो एवरेज बनाइएगा, और डाउन जाए और एवरेज बनाइएगा। फिर फ्यूचर में जब ये चला जाएगा 75+, तब आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना करके देगा। तो जब शेयर का फंडामेंटल बेटर है, मैं उसमें सोचना नहीं चाहिए। मैं आपको पहले कहा था लॉन्ग टर्म तक के लेके रख लीजिए। RVNL में के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई जिस तरह से 30-32 रुपये RVNL के लिए हम सोचते रह गए, IRFC भी ले लीजिए। आज के मेरे कम्युनिटी ब्लॉग पे देखिएगा मेरा पुराना वीडियो, मैंने ये बात समझा रखी है RVNL को लेकर के, कि अब IRFC में इन्वेस्टमेंट करो। जिन्होंने RVNL में करा, मैंने ये भी कहा था कि आप IRFC में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जिस तरह से IRCON 40 से 100 के आसपास चला गया, RVNL 30-32-33 रुपये से 120 प्लस चला गया, उसी तरह IRFC भी ऊपर ही जाएगा। अब उसमें इन्वेस्टमेंट करने का टाइम था, क्योंकि वो शेयर तो अप ट्रैक्स पे चले गए, डाउन ट्रैक पे इस IRFC का माल समेटने का मौका था। लेकिन आप सोचते रहते हैं और मेरी बात को ना तो समझते ना पूरा वीडियो देखते, पूरा वीडियो देखा कीजिए, मैं क्या कहता हूँ, कैसे कहता हूँ, कब कहता हूँ, उसको समझा कीजिए। आप भले इन्वेस्टमेंट मत कीजिए मेरे कहने पर, लेकिन एनालाइज तो करिए मेरी बात को। आपको कमाना है तो पेशेंस रखना होगा, मेरे चैनल से जुड़ना होगा, और विद पेशेंस धीरे धीरे आप ट्रेडिंग करते जाइए, इन्वेस्टमेंट करते जाइए, यू अर्न मनी, यू गेट बेटर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। हर तरह के शेयर्स में हर तरह की बात बताता हूँ, जिस तरह का शेयर होता है उस तरह की बात मैं कहता हूँ, और इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से राय देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, मोटिवेट मी, हैव अ नाइस टाइम।